नमस्कार, आकिब सिवा न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय की तस्वीर आप देख सकते हैं, इस समय हम खड़े हुए पिपराड़ी मुख चौक पर। तो सामने की तस्वीर आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आज से 21 दिनों का जो आज से लॉकडाउन चालू हुआ है, तो सामने की तस्वीर आप देख सकते हैं लोगों को कहीं ना कहीं आवागमन चालू है। मगर तमाम तस्वीरें देखने के बाद हम आपको ये बताए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत, योजना के तहत जो फॉर्म जमा किया जा रहा है, उनके लोगों का ज़्यादा यहाँ भीड़ देखने को मिल रहा है। तमाम मार्केटों में ज़्यादातर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर फॉर्म भरने के लिए डाकघर में इसकी भीड़ ज़्यादातर देखी जाती है। हम आपको बता दें कि इस खबर की खंडन भी हो चुकी है, कहीं ना कहीं ये खबर वायरल गलत साबित हो पा रही है। मगर तमाम इन तस्वीरों को देखने के बाद आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि लॉकडाउन के बाद ये फॉर्म जमा करने के लिए डाकघरों में काफ़ी भीड़ उमड़ रही है। मगर वहीं जब खबर की ये खंडन हुई, जब ये बताया जा रहा है, आज के दैनिक भास्कर अखबार में भी इस खबर के बारे में मुख्य तौर से जानकारी दी गई है कि कहीं ना कहीं खबर गलत है। तो हम आपको बता दें कि ये जो आप तस्वीर देख पा रही है पिपराड़ी मुख्य चौक की तस्वीर है, और डाकघर के पास बहुत ही ज़्यादा भीड़ उमड़ रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत फॉर्म जमा करने के लिए। हम आपको बता दें कि तमाम इन अगर मार्केटों की अगर तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, तो मार्केटों में फॉर्म जमा करने के लिए ज़्यादातर लोगों का भीड़ दिख रहा है। हम आपको ये बात बताएं कि जो 21 दिनों का जो लॉकडाउन लगाया गया है, कहीं ना कहीं लोगों का सिलसिला घर से निकलना जारी है। बहुत सारे लोग मास्क भी नहीं पहन रहे हैं, इस चीज़ का पालन भी नहीं कर रहे हैं, ये तमाम तस्वीर आप देख सकते हैं। चलिए हम डाकघर के पास आपको लेकर चलेंगे। जी कहिए ना, हो जाएगा, एक मिनट हो जाएगा।